So let's start with the topic physics. From the very beginning I shall teach you. कोशिश करूंगा आपको कि 9th से जो जो चीजें छूटी हुई हैं सारी चीजें बता सकूं। तो फिजिक्स मींस व्हाट? फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। और नाम से भी आपको लग रहा होगा कि साइंस का जो नाम है फिजिकल साइंस फिजिक्स के नाम पर ही पड़ा, जबकि इस फिजिकल साइंस के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जो नॉन लिविंग साइंस है, बायो को छोड़कर सब ला सकते हो। इवन ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल ज्योग्राफी जो आप पढ़ते रहे, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। और ज्योग्राफी वाकई में एक साइंस का हिस्सा है। एंड इनफैक्ट ज्योग्राफी इज समथिंग कंबाइंड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट साइंस। ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट जरूर है, बट इट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक पेपर। तो फिजिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स एक वर्ड से आया है जिसको प्रोनाउंस किया जाता है फ्यूसिस। आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट स्पेलिंग, आई एम जस्ट राइटिंग द प्रोनाउंसिएशन की दिस इज फ्यूसिस। एंड फ्यूसिस मेंट व्हाट? फ्यूसिस मेंट नेचर। फ्यूसिस मेंट नेचर। नाउ लिसन वेरी केयरफुल। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन द नेचर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स। सब्जेक्ट मैटर समझते हो? सब्जेक्ट मैटर मीन्स पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स नेचर है। तो नेचर के अंदर ये नहीं कि वी आर जस्ट लुकिंग इन टू नेचर एंड गेटिंग लॉस्ट इन टू इट्स ब्यूटी। हमको इस नेचर में जो नेचुरल फेनोमेनन हो रही है, फेनोमेन हो रही है तो फेनोमेनन बोलेंगे, क्योंकि तो नेचर में बहुत ज्यादा होती है तो हम बोलेंगे फेनोमेना। लेकिन वन एट अ टाइम हम इनको पढ़ने वाले हैं। दैट इज वाई आई वुड प्रेफर फेनोमेन। तो जो नेचुरल फेनोमेनन है उसकी हमको साइंटिफिक स्टडी करनी है। साइंटिफिक स्टडी। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी? सो लिसन वेरी केयरफुली। साइंटिफिक स्टडी, द साइंस वर्ड इटसेल्फ हैज कैन कम फ्रॉम अ वर्ड नेम साइंटिया। साइंटिया मीन्स टू नो, इट इज अ वर्ब, साइंटिया जानना। ठीक है ना? आप देखोगे तो यहां पर बहुत क्लोजनेस मिलेगी आपको हिंदी और इंग्लिश करने वाले में, विज्ञान। ठीक है, तो वी इज अ काइंड ऑफ प्रिफिक्स, उपसर्ग बोलते हैं इसको हम। एंड वेन इट इज अटैच टू ज्ञान, वी मीन्स स्पेशल विशिष्ट। दिस उपसर्ग वी जो प्रिफिक्स है ये स्पेशलिटी डिनोट करता है। तो ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है। ठीक है, इट इज एन स्पेशल, इट इज अ स्पेशल नॉलेज। ठीक है, ज्ञा जो वर्ड होता है दैट मीन्स टू नो। तो यहाँ पर यदि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट को रिलेट करूँ तो दिस इज, यू माइट हैव स्टडीड इन संस्कृत धातु एन प्रत्यय, तो वहां पर ज्ञा जो वर्ड है ज्ञा मीन्स टू नो। सो क्या जानना? अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पहले एक बीमारी हुआ करती थी, अभी भी है लेकिन अब वो इतनी वॉक में नहीं, कोरोना आ गया, कि HIV एड्स, कि मच्छर के काटने से भी एड्स फैल जाता है। और अभी कोरोना के समय भी ऐसे आ रहा है। इज दिस अ करेक्ट नॉलेज? हियर आई नो समथिंग, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो दिस इज नॉट साइंस वेन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। श्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। श्योर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो श्योर कैसे हुआ जाए? हाउ वुड वी नो कि हम जो जान रहे हैं वो सही है या नहीं? तो ये जो साइंस है, इस साइंस को स्टडी करने की एक मेथड होती है, दैट इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये किसी भी साइंस पर अप्लाई होगी, नॉट ओनली फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस और। बट क्योंकि हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो कुछ टीचर्स इसको टेक्निक ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी बुक्स में जो जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो साइंटिफिक मेथड बोलते थे कुछ लोग, कुछ लोग इसको टेक्निक ऑफ फिजिक्स बोलते थे। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें चार स्टेप्स होते हैं। एंड वॉट आर दीज फोर स्टेप्स? पहला है
सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मैं समझाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप इनकी मीनिंग क्या है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और चौथा है फाइनल थ्योरी। तो ये चार स्टेप्स होते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फाइनली इफ एनीथिंग इज बीइंग स्टडीड देन इन साइंस इट इन्वॉल्व्स स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4। इन केस एनी वन ऑफ दिस स्टेप इज बीइंग मिस्ड यू विल रीस्टार्ट अगेन। तो स्टेप 1 पे गए, स्टेप 2 पे गए, स्टेप 2 के बाद समझ में नहीं आ रहा तो वापस आपको स्टेप 1 पर जाना। 1, 2, 3, 4 दिस इज द ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर हैज टू बी फॉलो। तो इस तरीके से किसी चीज की स्टडी की जाती है। तो जिस भी चीज को आप पढ़ रहे होते हैं उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। नाउ ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कैसा होना चाहिए। सपोज करो यू हैव टू ऑब्जर्व द हॉटनेस ऑफ द वेदर कि भाई हॉटनेस कितनी है डे की। तो अगर बहुत गर्मी है तो यू विल बोलोगे वेरी हॉट। क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं चलो देखो अपन इंग्लिश से समझने की कोशिश करते हैं कि इज आर इंग्लिश कैपेबल। चलिए बताओ हॉट के लिए क्या क्या शब्द यूज करोगे। एक तो हो गया वेरी हॉट, फिर बताओ भाई बता सकते हो बोल सकते हो भी कोई और शब्द जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही तो क्या बोलो। वेरी हॉट एक्सट्रीमली हॉट हो गया भाई। एक्सट्रीमली और वेरी में हम थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। एक्सट्रीम का मतलब अति में गर्म हो गया है ना, एक्सट्रीम वो होता है। एक वार्म भी तो होता है ना, वार्म वेदर जो ठंड के बाद तुरंत थोड़ा थोड़ा आता है, सुबह सुबह का जो क्लाइमेट है वार्म वेदर जिसमें ज्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर देखोगे आप हमारे पास ज्यादा शब्द नहीं है। तो वर्ड्स आर नॉट दैट मच एग्जैक्ट टू ऑब्जर्व। अब देखो वार्म वेदर भी कई प्रकार का होता है और हॉट वेदर भी कई प्रकार का होता है। अब हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें कितना वार्म। तो कई शब्द सुने होंगे आप, हल्का सा गर्म पानी होता है तो ल्यूक वार्म वर्ड सुना, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। अब फिर लेकिन इसमें भी ल्यूक वार्म कितने किस्म का, तो इसमें हमको कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं दिस इज समवॉट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेसी में कमी आ रही है। तो हम इसको इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, वी विल यूज क्वांटिटी हियर। जब मैं टेम्परेचर नंबर से बताने लगूंगा, अब जैसे कि 42, 43, 44, 45 ये पांच टेम्परेचर मैंने आपको बताया, 41, 42, 43, 44, 45। आप इसको देखकर डिस्टिंग्विश करके बता सकते हो कि डे टाइमिंग क्या रही होगी। ये एक दिन के 5 आवर्स है ना, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये नून आवर होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे कम 11 o'clock वाला होगा, ये 10 o'clock वाला होगा, ये 9 o'clock वाला होगा, ये 8 o'clock वाला होगा। ऐसे आप बड़ी आसानी से डिस्टिंग्विश करके बता सकते हो। जबकि यहाँ पर ये ल्यूक वार्म, वार्म, वेरी वार्म, एक्सट्रीमली हॉट, वेरी हॉट से चीज क्लियर नहीं। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है मेरे कहने का मतलब ये है इट शुड इन्वॉल्व बोथ क्वालिटी एंड दैट क्वालिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सम क्वांटिटी, ठीक है। वॉट एवर आई एम एक्सप्रेसिंग हियर इज द हॉटनेस, अभी भी क्वालिटी पर ही हूं मैं, बट आई एम एक्सप्रेसिंग दैट इन टर्म्स ऑफ अ नंबर सो दैट अ ग्रेटर एक्यूरेसी इज अचीव्ड इन ट्रांसमिटिंग माई इंफॉर्मेशन। हमारी कम्युनिकेशन में चीजें बहुत क्लियर रहें कितना ज्यादा गर्म हुआ। तो ये पहली चीज आपको समझ में आ गई ऑब्जर्वेशन, और इसका एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टमेटिक मींस दैट शुड फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन, देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो एक प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करोगे भाई ऑब्जर्वेशन। आपके पास एक एक्यूरेट यूनिट होनी चाहिए, आपके पास एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए,
और उस इंस्ट्रूमेंट को करेक्टली कैसे यूज करना है, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में जरा सा भी फ्लॉ या गलती नहीं होनी चाहिए। एंड इफ दैट इज पॉसिबल देन वी से दैट इट इज अ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। गॉट माई पॉइंट? इतना समझ में आया सभी को? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैं एक बार बच्चे का नाम लिखना चाह रहा था। नाउ लिसन, इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो दिस इज डन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल ओवर। नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड थिंग दैट इज नोन एज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वर्ड की मैं आपको हिंदी बताना चाहूंगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परिकल्पना, ठीक है। नाउ हियर अगेन देयर इज अ प्रीफिक्स परी उपसर्ग। परी इज रिलेटेड टू द सरकमफेरेंस टाइप ऑफ थिंग्स। सपोज करो दिस इज योर आइडिया एंड योर आइडिया हैज सर्टेन लिमिट कि हाँ इतनी चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, दैट इज मीनिंग ऑफ परी, ठीक है। सो कल्पना मीन्स हियर नॉट अ मियर इमेजिनेशन, इट इज अ काइंड ऑफ आइडिया दैट जनरेट्स इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक लॉजिकल आइडिया आता है इस ऑब्जर्वेशन को देखकर कि भाई इस ऑब्जर्वेशन को देखकर मुझे ये समझ में आता है कि ये बाजार की होगी, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर चीज आप अपने, जैसे डिटेक्टिव जाता है ना एक रूम के अंदर, सपोज करो यहाँ किसी रूम में कोई क्राइम हो गया, आपने शेरलॉक होम्स सीरीज देखी हो, तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करता है एंड रिगार्डिंग दैट ऑब्जर्वेशन ही मेक्स थ्योरी, दिमाग में आइडिया बनाता है कि ये कुछ हुआ होगा। और कई बार उसमें गलत भी रहता है वो, और कई बार उसी में सही रहता है। तो डिटेक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें अप्लाई करोगे, समझना है। तो यू आर वर्किंग इन अ सेम सेम मैनर कि नेचर जो है, नेचर एक बहुत बड़ा सा रूम है जिसमें कोई एक घटना घटित हो सकती है। अब दैट इज नॉट अ क्राइम, दैट इज अ घटना। घटना मीन्स एनीथिंग दैट हैपेंस, इट कैन बी गुड और बैड, सो वी विल कॉल इट जस्ट अ फिनोमिनन। नाउ दैट फिनोमिनन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय यू एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, ठीक है, आपने उस फिनोमिनन को रोका नहीं, कंट्रोल नहीं किया, आपने उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया। अब नाउ इसमें एक अच्छी बात यह है डिटेक्टिव में और आप में एक डिफरेंस ये है कि आप ऑब्जर्वेशन के डायरेक्ट ऑब्जर्वर हो, आपके सामने वो घटना घटित हुई है। और डिटेक्टिव के पास क्या होता है, डिटेक्टिव के पास वो बाद में पहुंचता है जब वो घटना घटी हो चुकी है, और जो रिमाइंडर रहता है उससे तो आप ज्यादा बेटर हो क्योंकि आपने पूरी ऑब्जर्वेशन रखी और उसके आधार पर आपको एक आइडिया जनरेट करना है कि वो चीज क्यों हुई होगी। व्हाट इज द आइडिया, दैट आइडिया इज नोन एज हाइपोथेसिस। थीसिस मीन्स दैट ऑनली, कि एक कोई आप नया नियम बता रहे हो, कि हाइपो मतलब छोटा छोटा सा नियम, क्योंकि अभी ये है ना क्लियर नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इन हिंदी इट इज नोन एज परिकल्पना। तो आप क्या है, इंग्लिश वर्ड को अगर इंग्लिश से ही पढ़ोगे और हिंदी वर्ड को अगर हिंदी से ही पढ़ोगे तो रहेगा, अदरवाइज क्या है मीनिंग काफी डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ही ठीक है, आइडिया सेम है लेकिन हाइपोथेसिस मतलब वो अभी श्योर नहीं है, अभी वो एक थ्योरी दे रहा है, दैट कुड बी ट्रू और फॉल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग ऑफ दैट हाइपोथेसिस। हाउ वुड यू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस इज वेरी सिंपल, अगेन इफ दैट फेनोमेनन हैपेंस, क्योंकि नेचर में तो कोई भी चीज रिपीट होती ही रहती है, तो हम हमारी थ्योरी लगा के देखेंगे और इनफैक्ट नेचर में जो हुआ है उसको हम कंट्रोल्ड तरीके से खुद करके देखेंगे। एंड इफ वी आर एबल टू रिक्रिएट दैट फेनोमेनन, इसका मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो सही। एंड इन केस इफ इट इज रॉन्ग देन अगेन वी नीड टू गो फॉर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, अगेन वी विल टेक द रीडिंग्स, अगेन वी विल मेक अवर नोटबुक, हम सारी चीजों को क्वांटिटी वाइज लिखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक नई हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर उस हाइपोथेसिस की फिर टेस्टिंग होगी। अगर ट्रू पाया गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर स्टेप वन में। तो ये स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री सबसे ज्यादा होते हैं वीडियो गेम की तरह, कि आप किसी हाईर स्टेज पर, फोर्थ स्टेज जो है हाईर स्टेज पे जा नहीं रहे और आपका बार बार गेम ओवर हो रहा है, और गेम ओवर होने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो, स्टेज नंबर वन पर वापस, ठीक है। अब अगर वो चीज सही पाई गई, इफ दैट इज फाउंड टू बी ट्रू देन इट इज एक्सेप्टेड एज थ्योरी, तो फिर ये पब्लिश होती है, पब्लिश होने के बाद लोग इसको पढ़ते हैं। अभी ये थ्योरी है, इट इज नॉट, इट हैज नॉट बिकम लॉ, ये पब्लिश होगा, पब्लिश होगा तो
ये सर्कुलेट होगा सब में, साइंटिफिक सर्कल में, तो सब लोग इसको रिक्रिएट करके देखेंगे, जो आपने बोला है, जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनको रिक्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। इफ दे फाइंड इट ट्रू ऑलवेज देन देर इज अ चांस दैट इट कैन बी कॉल्ड एज लॉ। और अगर उसमें फ्लॉ आया तो लॉ वर्ड यूज नहीं होगा। आप देखो लॉ बहुत कम यूज होता है, थ्योरी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वेव थ्योरी, हीट थ्योरी, न्यूटन्स लॉ, अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, बोर तो नहीं हो रहा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई। चलो, तो दिस इज द फोर स्टेप टेक्निक ऑफ फिजिक्स विच इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक मेथड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस। दिस इज हाउ इट इज स्टडी। नाउ यू माइट नॉट हैव हर्ड। ओके ओके, आई विल वेट। अभी कभी भी यदि वॉइस ऐसे क्रैक हो तो मुझे बता दीजिएगा, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा होता है। सो जब तक मेरी वॉइस वापस क्लियर नहीं होती आई विल नॉट टीच एनीथिंग। ओके, अभी ठीक है? हेलो, ठीक है भाई, सभी को आवाज क्लियर आ रही? अदर्स कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड, तो मैं आगे बढ़ू। ओके चलो, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपको एक बहुत अच्छे टीचर के बारे में बताना चाह रहा था, रिचर्ड ई फिनमैन, ठीक है, रिचर्ड ई फिनमैन। ही इज अ वेरी फेमस टीचर, अमेरिकन टीचर थे, ठीक है। और उनकी एक बहुत, मतलब वैसे तो काफी इंटेलिजेंट थे, तो रिसर्च स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आप क्या है, बहुत लंबा सिस्टम रहता है कॉलेज में, तो जो सबसे बड़ा जो HOD होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको बोलते हैं, वो सारी क्लासेस ना लेके कुछ काफी बड़ी क्लासेस भी लेते हैं, छोटी ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेस भी वो लोग नहीं लेते हैं, बिकॉज दे आर मेनली इन्वॉल्व इन रिसर्च। तो ही वॉज सच टीचर, बट हिज वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वॉज दैट, इनका एक्सप्लेन करने का तरीका इतना अच्छा था इनका कि विदाउट लूजिंग द सब्सटेंस वो काफी अच्छे से समझा पाते थे, ऑर्डिनरी पर्सन को भी वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक समय ग्रेजुएशन की भी क्लासेस ली एक यूनिवर्सिटी में, और उनकी जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं वही लेक्चर्स ऑन फिजिक्स के नाम से पब्लिश हुई। अभी 3 वॉल्यूम में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो एनी टीचर, आई वुड नॉट सजेस्ट यू, पढ़ सकते हो आप, फ्री टू डाउनलोड है, आपको मिल जाएगा। तो काफी कुछ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने टॉपिक्स के हिसाब से धीरे धीरे चीजें समझ सकते हो, क्योंकि काफी आसान लिखा होने के बावजूद वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो ऑल टीचर्स के लिए मस्ट है। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया था साइंटिफिक मेथड का, इस लेक्चर के अंदर, वो है कि हाउ डज दिस साइंटिफिक मेथड वर्क। तो साइंटिफिक मेथड की वर्किंग जो है समझाने के लिए उन्होंने चेस गेम का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको HC वर्मा Part 1 में भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हो, ठीक है, वहां पर भी इसको HC वर्मा ने यूज करके समझाया है, चेस गेम थ्योरी ऑफ रिचर्ड पी फिनमैन। सो चेस तो समझते हो ना, शतरंज, सभी लोग, कितने लोग हैं जिन लोगों ने, देर आर सर्टन स्टूडेंट, कुछ लोग हैं जिनको नहीं मालूम है शतरंज, मतलब कितने लोग हैं हु डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, आर देयर एनीबडी, कोई है ऐसा जो चेस नहीं जानता? लगभग लगभग तो सब जानते हैं। ओके, सो चेस गेम का एग्जांपल लेंगे हम और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सी, ये जो चेस गेम है इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सुनिएगा ध्यान से, कि 2 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो 2 प्लेयर्स चेस बोर्ड पर मौजूद हैं, प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वन, बोथ आर प्लेइंग, ये गेम स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको चेस के बारे में कुछ नहीं मालूम है, यू नो नथिंग अबाउट दिस गेम, पे आपको ये नाम भी नहीं जानते, ठीक। यू केम इन टू दिस रूम एंड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका? अब आपने आज तक चेस गेम नहीं देखी, लोगों को देखा है, बाकी सारी चीजें देखी, बस ये गेम नहीं देखी, तो आप पहली चीज रूम में ऑब्जर्व क्या करोगे बताओ,
क्या ऑब्जर्वेशन होगा, आपको क्या दिखेगा, मतलब आप इमेजिन करो और मुझे बताओ कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इट फर्स्ट, सबसे पहले क्या दिखेगा बताओ भाई। समवन हैज टू स्पीक, क्या ऑब्जर्व करते हो आप भाई? दो प्लेयर्स दिखेंगे, ठीक है, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ, तो दो प्लेयर्स हैं। अब ये दो प्लेयर्स के साथ तुमको एक बोर्ड दिखेगा, उस बोर्ड में आपको एक पैटर्न दिखेगा अल्टरनेट ब्लैक और व्हाइट कलर्स का, उसके ऊपर कुछ जिसको आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक का कुछ भी आप, या जिस भी मटेरियल का बना हुआ है कुछ भी रखा हुआ है, वी डोंट नो व्हाट इट इज, कुछ रखा हुआ है। एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर व्हाइट है और अल्टरनेट उनको मूव किया जा रहा है। दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, बट दिस इज नॉट अ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन आपका स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद आप ये रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आपके दिमाग में एक हाइपोथेसिस बन जाती है कि अल्टरनेटली ये प्ले करते हैं, पहले ये कुछ करता है देन ये कुछ। ओके ओके, आई शैल वेट। अभी आ रही है आवाज, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? ओके, सो ये अल्टरनेटली प्ले कर रहे हैं, पहली चीज तो ऑब्जर्व किया एंड एक हाइपोथेसिस नंबर वन बनाई आपने कि अल्टरनेटली प्ले करते हैं। अब ये हाइपोथेसिस तो ट्रू है कोई भी। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? लेट्स वेट फॉर सम टाइम। हेलो, सो एक हाइपोथेसिस तो हमारी ट्रू साबित हो गई कि अल्टरनेटली ये चलता है, लेकिन यू नो द इंट्रिकेसी ऑफ दिस गेम, आप जानते हो कि ये गेम कितना डिफिकल्ट है, कि कभी भी आप इसको देख देख कर कंप्लीटली नहीं सीख सकते, क्योंकि देयर विल बी टाइम्स कि पहली बार कोई मूव चला होगा। आपने खुद देखा है कि जब दो ग्रैंड मास्टर्स इस गेम को खेल रहे होते हैं, ठीक है, विश्वनाथन आनंद इंडिया के हैं आप जानते हो, और भी कोई खेल रहा होता है, तो दे टेक टाइम इन रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई जो गेम का एक्सपर्ट है, जिसने गेम के ऊपर बुक्स भी पढ़ रखी हैं, सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ही और शी टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज कि व्हाई दिस पर्टिकुलर मूव हैज बीन मेड, करेक्ट? सो ऑब्जर्वर, अ क्रूड ऑब्जर्वर लाइक दिस हु हैज नो नॉलेज ऑफ चेस एंड ही और शी इज जस्ट ऑब्जर्विंग विल टेक अ डेफिनेटली मोर टाइम एंड हिज एक्यूरेसी विल नॉट बी दैट मच, ही विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द गेम कंप्लीटली, तो वो कभी पूरा नहीं समझ पाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बोला इज इट क्लियर? हेलो, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ एनीबडी हैज डाउट टिल हियर आई एम रिपीटिंग अगेन, क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं? तो ऐसा ही नेचर है, ये जो चेस गेम है इसको समझ लो नेचर। अब नेचर में तो कई प्लेयर्स हैं, यहां पर तो क्या हो रहा था, एक बार में दो फेनोमेनन हो रही थी और उसमें भी एक बार में एक फेनोमेनन होती थी, एक इधर से फिर एक इधर से फिर एक इधर से, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड केस था नेचर का, ट्रू केस भी नहीं था। अब इसमें मल्टीपल प्लेयर्स एंड मल्टीपल मूव्स हो रही हैं और हैपनिंग डिफरेंट, आप पूरी तरह से सबको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते नेचर में कितनी घटनाएं हो रही हैं। बस हमें ये मालूम है कि दिस इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉ एंड दैट लॉ इज नॉट नोन, बिकॉज नेचर में ऐसी कोई बुक नहीं है, भगवान ने ऐसी कोई बुक लिख के नहीं छोड़ी है कि हाँ इसमें बताया गया हो कि नेचर का लॉ, ठीक है? तो देयर आर रिलीजियस बुक्स विच हैव बीन अज्यूम्ड दैट हैज केम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, तो उन रिलीजियस बुक्स में भी ये नेचर के लॉज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस ये है
कि हम इनको ऑब्जर्व ही कर सकते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई कंक्लूजन ला सकते हैं। अब वो कंक्लूजन कितना ट्रू है वो तो हमको कभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज आर कंक्लूजन एंड दैट इज आर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ट्रूली हैपनिंग नो बडी इज गोइंग टू से टू अस। सो दिस इज हाउ द लॉज आर बीइंग डिस्कवर्ड इन फिजिक्स एंड दिस इज हाउ द टेक्निक ऑफ फिजिक्स इज। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट है, लेकिन ऑब्जर्व, सीधी सी बात है कि हमारे हर एक लॉ में, हर एक रूल में हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। 100% एक्यूरेट कोई सा भी लॉ नहीं। इट इज ड्यू टू दिस रीजन अगर कोई लॉ किसी दिन प्रूव होता है कि वो रॉन्ग है, उसको तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है। इट डजेंट मैटर कि कितने बड़े स्कॉलर ने दिया और कितने साल से वो लॉ चल रहा था। ठीक है, इवन इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि न्यूटन की भी लाइट की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। इट वाज डिस्कार्डेड सिंपली ऑफ द फैक्ट बिकॉज इट वाज रॉन्ग। सो देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट टू एनी वन पर्सन और इंक्लिनेशन। द सिंपल रूल इज दिस, इफ दीज टू फोर स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड एंड फाउंड ट्रू देन द लॉ इज ओके, नॉट एक्यूरेट बट ओके। एंड द डे समथिंग वेंट्स अगेन इट देन दिस लॉ इज नलीफाइड, उठा के फेंक दिया जाएगा भाई। ठीक है, दैट विल बी नाउ हिस्टोरिकल पार्ट नॉट अ साइंटिफिक पार्ट। तो समझ में आया इतना आज? ठीक है, अब नाउ आई एम